तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बड़े का गोश्त। तो बड़े का गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर चुके हैं छोटे छोटे शेप में, और इसको वास भी कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे छोटे छोटे मीडियम शेप आपको कट कर लेना है। आप जितना बड़ा जितना छोटा शेप देना चाहते हैं कट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। इसको कट कर लिए हैं और वास भी कर चुके हैं। अब हम दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे चलते हैं, हम प्याज लेते हैं, और ये हमारा जो है 1 kg गोश्त है, और यहाँ पे है जो है हमारा 1/2 kg प्याज है, और यहाँ पे 3 फोटी लहसुन, 2 चम्मच जीरा और मरीच, और 2 चम्मच है धनिया। अब हम प्याज को कट कर लेंगे और मसाला ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला को हम पीस चुके हैं, ग्राइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और प्याज को भी यहाँ पे हम कट कर चुके हैं। यहाँ पे ले लिए हैं ग्रीन चिल्ली हम, आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को, पूरे प्याज को मोटे शेप में कट किए हैं, और एक प्याज को हम पतले शेप में कट कर लिए हैं इसको बघारने के लिए। अब हम चलते हैं चूल्हे पर, और चूल्हे पर हम कुकर को चढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुकर में हमें आसान लगता है बनाना और जल्दी भी बन जाता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे तेल, तो इसमें हम तेल ऐड करेंगे। इसके बाद इसको हीट होने के लिए वेट करेंगे थोड़ा सा हम। ये हमारा तेल जो है हीट हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले तेज़पात को ऐड करेंगे, तो 2 तेज़पात इसमें हम डाल चुके हैं। इसके बाद हम थोड़े से गरम मसाला लिए हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा गरम मसाला वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो पतला से पोला प्याज कट किए हैं जो सामने दिख रहा है, और ग्रीन चिल्ली, ये हम इसमें डाल देंगे। टोटल ये जो प्याज है पतला से पोला, टोटल प्याज और ग्रीन चिल्ली हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पे प्याज और मिर्च हम डाल चुके हैं, अब हम इसको चलाएंगे और चला करके ब्राउन करेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो हमें ग्रीन चिल्ली पसंद है तो ग्रीन चिल्ली हम यूज़ करते हैं, ग्रीन चिल्ली से टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे अभी प्याज पकाना हम शुरू कर दिए हैं। प्याज पकने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि प्याज कच्चा होता है तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो प्याज को हम पूरा डार्क ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 50% प्याज हो गया है। अब कुछ ही मिनट में ये पूरा फाइनली हो जाएगा, प्याज अच्छे से पक जाएगा और ब्राउन भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्याज जो है कुछ सेकंड में पूरा 100% ब्राउन हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहिए। तो हमारा जो प्याज है पूरा 100% ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बीफ को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं प्याज जो मोटा सिपोला प्याज कट किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको 2 मिनट हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्याज को मोटा से जो है इसमें, और मिक्स करने के बाद हम इसमें दिखाते हैं आपको। अब इसके बाद हम गोश्त को ऐड करेंगे। तो हमारा प्याज जो है ये मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम गोश्त को ऐड करने, यहाँ पे देख सकते हैं आप एकदम फ्रेश है। तो अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, टोटल गोश्त हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है गोश्त पूरा पड़ चुका है इसमें, और पूरा गोश्त डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा टोटल गोश्त इसमें आ गया है। तो चलते हैं अब हम मिक्स करने। तो मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, पूरा बराबर तरीके से इसको प्याज मिर्च और गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। इसमें हमें मसाला मिक्स करना है, इसके बाद हमें मसाला ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है गोश्त हमारा मिक्स हो चुका है। अब सबसे पहले हम ग्राइंड किया हुआ जो जीरा मिर्च धनिया और लहसुन का पेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हम मिक्स किए हैं मसाला ये, तो हम इसमें टोटल डाल देंगे। इसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम आगे का मसाला आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे। आपको मिर्च अपने स्वाद अनुसार लेना है, और नमक भी स्वाद अनुसार ही लेना है, और हल्दी 1 चम्मच डालना है आपको। तो इसमें हमने, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है दालचीनी, ये तो लाजमी चाहिए इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये ऊपर से हम ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद करेंगे। तो अभी हम मिक्स करना शुरू किए हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे टोटल हमारा जो है मसाला प्याज गोश्त मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम कुकर को बंद करेंगे, और कुकर बंद करने के बाद हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे, और 3 सीटी लगाने के बाद से हम कुकर को खोलेंगे। तो अभी हम कुकर को फ़िलहाल बंद कर रहे हैं, और हमारा जो है कुकर प्रेशर देना शुरू कर दिया है। ये फाइनली 10 से 12 मिनट में 3 सीटी कम्प्लीट हो जाएगा। 3 सीटी के बाद हम कुकर को खोलेंगे। तो हमारा फाइनली जो है 3 सीटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुकर के ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बीफ रेसिपी है कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उठा कर दिखा रहे हैं। ये हल्के मसालों के साथ हल्का सालन है, इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको पूरा सूखा करना है तो इसको चूल्हा फिर से हम जला लेंगे, तो हम इसको भुना हुआ एकदम ज़बरदस्त करेंगे। तो इसको चूल्हा हम जला चुके हैं, अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे और इसको भुनना शुरू करेंगे। मेरे कहने का मतलब इसको भुनना शुरू करेंगे, जो थोड़ा सा पानी बचा है, थोड़ा सा सालन इसमें जो है, इसको पूरा हमें चला चला करके सुखा लेना है मीडियम फ्लेम पे इसको। तो हमारा जो चूल्हा जला चुके हैं, ये यहाँ पे भूनना शुरू कर चुके हैं हम, और भून भून करके इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको जलने नहीं देना है, इसको चलाते रहना है बीच बीच में। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होता है सूखा और भुना हुआ गोश्त जो है। तो ये पूरा भूनने के बाद हम चूल्हा को बंद करते हैं। ये फाइनली जो है हमारा रेसिपी कंप्लीट हो गया है। अब हम चूल्हा को बंद करेंगे और चूल्हा बंद करने के बाद हम चूल्हे से कुकर को नीचे उतारेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक भी आया और खुशबू भी। तो अब हम चूल्हे से नीचे उतार चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़बरदस्त ये दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी हुआ है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में पलट देंगे, पलट लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए। आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्राई पैन में इसको निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ धनिया का पत्ता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं धनिया का पत्ता इसमें ऐड करने। ये भुना हुआ रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे धनिया का पत्ता हमारा है, अब हम इस पर ऊपर से डाल देंगे, इसको लुक चेंज हो जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा रेसिपी जो है बीफ का कंप्लीट हो चुका है। आप सब बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा रेसिपी बनाने का अंदाज़, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय आप सबको।